नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के मुख्य और बड़ी समाचार के इस वीडियो में। दिन भर की छोटी और बड़ी तमाम खबरों को आपको सबसे पहले बताया जाएगा। आज जीतनराम मांझी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से पहले बड़ी बात कह दी है। जीतनराम मांझी ने क्या कुछ कहा विस्तार से बताएंगे। उससे पहले तेजस्वी यादव पटना पहुंच कर और लगातार भ्रमण कर रहे, इसी दौरान आज हुआ राघोपुर विधानसभा पहुंचे, जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, और इसको लेकर आने वाली बड़ी खबर विस्तार से 5 मिनट के अंदर। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरों के अंदर, नीतीश सरकार के अपने मंत्रियों के घरों में पानी घुस गया। थोड़ी सी बारिश होने पर जी आपको बता दें, पटना के तमाम मंत्रियों के घरों में पानी घुसा, और इसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है, जिसे आपको 5 मिनट के अंदर विस्तार से बताया जाएगा और आपको जानने की बेहद जरूरत है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो इसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है। आधार कार्ड और पैन कार्ड धारकों के लिए आने वाली बड़ी खुशखबरी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको भी इस नई योजना का मिलेगा लाभ। देखिए क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब बच्चों की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम, बिना परीक्षा दिए किए जाएंगे प्रमोट। देखिए क्या है बड़ी खबर इस वीडियो के अंदर, जिसे जानना आप सभी को बेहद जरूरी है। रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, ग्रुप डी के अंदर 40,000 पदों पर बड़ी वैकेंसी निकालते हुए तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। ग्रुप डी के अंदर एक बार फिर से 40,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और इसको लेकर आने वाली खबर से 5 मिनट के अंदर बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरों के अंदर, नई कंपनियों ने नए ऑफर्स के साथ अपने मोबाइल को किया लॉन्च। 8,000 में मिलेगा आपको यह अजूबा फोन, जी आपको बताएं, जिसमें 6 GB की रैम, और साथ ही साथ माइक्रोमैक्स ने किया बड़ा रिकॉर्ड। आपको बताएंगे कि अब संपूर्ण शराबबंदी कानून का जमकर धज्जिया उड़ाया जा रहा है, जहां पुलिस प्रशासन लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी ओर शराब को बिक्री करवाने में भी जी हां पुलिसों का मदद लिया जा रहा है, इसको लेकर आने वाला बड़ा खुलासा। साथ ही साथ आपको बता दें, सरसों ऑयल की कीमत 200 के आंकड़े को पार करते हुए, और आम जनता ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए क्या है बड़ी खबर इस वीडियो के अंदर विस्तार से 5 मिनट में। साथ ही साथ कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम लोगों को सूचित करते हुए कहा कि आज फिर से एक बार लोग मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना की लहर को भूलने लगे हैं। कोरोना को जागरूकता के साथ लेने की जरूरत। देखिए क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ अब चलाए जा रहे एक्सप्रेस, जहां पर आपको भी मिलेगा कोरोना का वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए राज्य सरकारों को नहीं देना होगा 1 भी रुपए, राज्य सरकारों को मुफ्त में मिलेगा कोरोना का वैक्सीन। प्रधानमंत्री का पहले ही हो चुका है ऐलान। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को राजद स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जी पटना आ सकते हैं, और इनको आने के लेकर भव्य तैयारियां भी शुरू हो गई है। राजद कार्यकर्ताओं में लालू प्रसाद यादव से मिलने और लालू प्रसाद यादव को 3 साल बाद एंट्री को लेकर भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए क्या है बड़ी खबर इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी के साथ। साथ ही साथ आपको बता देगा, अगर आपके गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगा तो अब आपके भी गांव में लगेगा सोलर स्ट्रीट लाइट। इसको लेकर सरकार ने शुरू किया नया स्कीम, ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। आप भी अपने गांव का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपने सोने और चांदी की खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो भारी गिरावट हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि आप भी सोने की खरीदारी कर लें, यह बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे, ATM से पैसा निकालने वक्त इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी फ्रॉड। देखिए क्या है बड़ी खबर इस वीडियो के अंदर, आप सभी को जानने की बेहद जरूरत। सभी खबरों को विस्तार से बताया जाएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोजाना खबरों को आपको सबसे पहले दिखाया जा सके और हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर साफ तौर पर जीतनराम मांझी ने कई बात कही। जीतनराम मांझी ने कहा कि अब अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं अपनी सरकार बनाना तो इन बातों का रखे ध्यान। आपको विस्तार से बताएंगे कि जीतनराम मांझी ने क्या कहा। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो तेजस्वी यादव जब से पटना पहुंचे, उसके बाद में गंगा नदी की भ्रमण हो या तमाम चीजें लगातार वो कर रहे हैं। इसी दौरान आज वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। हालांकि अपने विधानसभा क्षेत्र में एक दिन पहले पहुंचे थे, जहां पर उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे, लेकिन आज फूल और मालों के साथ लगातार लोगों ने भव्य स्वागत किया, और इसको देखते हुए यहां काफी ज्यादा राजद के नेता भी मौजूद थे। राजद के नेता समेत कई लोगों ने साफ तौर पर इसको देखते हुए अपने सोशल साइट से पोस्ट किया। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि बिहार में अब राजद की सरकार बनेगी, आज नहीं तो कल NDA में भारी टूट के साथ राजद अपनी सरकार बनाएगी।
हालांकि राजद अपनी सरकार बनाए उससे पहले एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ गई है। जीतन राम मांझी जो की बताया जा रहा था कि वो जो राजद के साथ आ सकते हैं, महागठबंधन में ज्वाइन हो सकते हैं और महागठबंधन में ज्वाइन होकर वो अपने 4 सीटें देंगे और मुकेश सहनी अगर 4 सीटें देते हैं ओबैसी की 5 सीटें आती हैं तो इससे जो संपूर्ण बहुमत में राजद आ जाएगी और राजद के संपूर्ण बहुमत में आने के बाद में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। 11 जून का समय जब तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मिलने पहुंच गए जीतन राम मांझी से और उसके बाद में काफी बड़ा घमासान भी मचा रहा। और आपको बता दें कि 17 जून का समय आप भूल नहीं सकते क्योंकि 17 जून को जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और उसके बाद में जीतन राम मांझी की ओर से बयान भी सामने आया। जीतन राम मांझी के प्रेस वार्ता करने वाले साफ तौर पर कहे शाहनवाज हुसैन ने, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब अगर राजद यह सोच रही है तो मन का लड्डू अपने मन में खाएं, इस तरीके की कोई चीजें होने वाली नहीं है। अगर आप यह जी आपको दादी की रात का सपना देख रहे हैं तो इस सपने को दूर कर दीजिएगा। और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो राजद के साथ नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए के हिस्से के नाम पर उन्हें वोट मिला है। एनडीए में रहते हुए उन्होंने जो विकास किया है उसके देखते हुए उन्होंने वोट दिया है। अब इन तमाम वोटों को लिए जाने के बाद में वो दगाबाजी नहीं कर सकते और वह राजद के साथ ना जाकर एनडीए को 5 सालों तक रहेंगे, यानी 5 सालों के बाद भी रहेंगे लेकिन 5 सालों तक यह सरकार चलाने का उन्होंने निर्णय लिया। यह तमाम बातें तो सामने निकल कर आई लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार जो भ्रमण कर रहे हैं इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय के अंदर राजद एक बड़ी बहुमत के साथ अपनी सरकार भी बना सकती है। आने वाले अनुमान और आने वाले रिजल्ट के मुताबिक यही चीजें सामने निकल कर आ रही है। हालांकि अब कौन कौन से नेता टूट कर आएंगे और सरकार बनाया जाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी के आने से कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं सुधर सकेंगी, तमाम कानून व्यवस्थाएं सुधर सकेंगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज जरूर करिएगा। आने वाले समय के अंदर जो भी राजद से जुड़ी बड़ी खबरें होंगी वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दिखाई जाएगी। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 27 जून का वो समय जब मौसम विभाग ने बिहार के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इस बार मॉनसून पहले आ गया। आपको जानकारी के मुताबिक बता देते हैं कि 2008 में इस तरीके का मॉनसून देखा गया था और उसके बाद में पहली बार इस तरीके के मॉनसून देखे गए हैं। हालांकि इस तरीके के मॉनसून को लेकर चेतावनियां भी जारी की गई हैं, लोगों को अलर्ट किया गया है और लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी गई है। उसके बावजूद भी कई लोग बारिश के अंदर घरों से बाहर निकलते हैं और आसमानी बिजली का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं एक बड़ी खबर, बिहार में भारी बारिश के बाद आम जनता जो है वो डूब रही है। आम जनता गंडकी नदी या गंगा नदी की बात करें, जलस्तर बढ़ने के बाद में लगातार लोग डूब रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद में बिहार में कई जगहों पर बांध टूटने की भी खबर आई। मोतिहारी में बांध टूटने की खबर आई जिससे मोतिहारी पूरी तरीके से तबाह हो गया और आने वाले वक्त में इस तरीके की चीजें ना हो इसको लेकर आवाज भी बुलंदियों के साथ उठाया जा रहा है और लगातार सोशल हैंडल पर लोग इस बात को लेकर लिख रहे हैं कि नीतीश सरकार अगर बांधों का काम सही करा देती तो आने वाले समय में बांधों के लिए करोड़ों रुपए जो लग रहे हैं ये ना लगते। हालांकि नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि आने वाले समय में बाढ़ जो आ रही है इसको लेकर के भी हम बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं और लोगों की जैसे भी मदद होगा वैसे दिया जाएगा। हालांकि नेताजी करे तो करे क्या, अगर बाढ़ के नाम पर बिहार को फंड ना आए तो यह बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। अगर बिहार के नाम पर फंड जो आता है केंद्र सरकार की ओर से वही इस सरकार का सबसे खास बात है और यह सरकार चाहती है कि हमेशा बाढ़ आए। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बढ़ते हैं। देखिए आम जनता तो परेशान ही थी, इसी बीच अब मंत्री भी परेशान रहने लगे। उप मुख्यमंत्री के घर में पानी घुस गया और यह पानी कमर भर था, जहां पर पानी में मीडिया कर्मचारी भी घुसकर रिपोर्टिंग करते हुए दिखे। हालांकि पानी जिस तरीके से लगातार पटना को अपनी चपेट में ले रहा है इसको लेकर गंगा मिशन और गंगा योजना तमाम चीजें धरी की धरी रह जा रही है। सरकार की तमाम स्कीमें और तमाम वो फंड जो है वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आ रहे हैं। अब एक बार फिर से जब पिछली बार भी आपने देखा था कि एक छोटी सी बारिश के बाद में पटना जलमग्न हो गया था, तमाम स्टूडेंट और तमाम छात्रों को जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो आपने भी देखा होगा और पप्पू यादव उस बाढ़ में सक्रिय थे और लोगों की मदद करते हुए दिखे थे और पप्पू यादव को फिलहाल जेल भिजवाया गया, ऐसा भी आरोप नीतीश सरकार पर लगा। लेकिन इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर बता देते हैं। जब आपको दादी उप मुख्यमंत्री का घर पानी से जलमग्न हो गया, उप मुख्यमंत्री के आवास पर पानी का
जमा और देखने को मिला। और यह पानी को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। आने वाले दिनों में पटना में पानी नहीं लगेगा, पटना की पानी का निकास का काम सही होगा। यह तमाम व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और ना जाने गंगा मिशन, गंगा योजना, गंगा गंगा क्या, ये तमाम चीजें जो होती है इससे कोई बड़ा मुनाफा दिखाई तो देता नहीं है। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बढ़ते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है तो आज की बड़ी खबर जरूर जान लीजिएगा। तमाम लोगों को जनधन खाता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले तमाम लोगों को अब मदद पहुंचाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत सरकार ने अनिवार्य कर दी है। सरकार ने साफ तौर पर आय को जांचने के लिए पैन कार्ड का अनिवार्य करना उचित माना है। अब आपके खातों में पड़े पैसों की जानकारी सरकार को बड़े ही आसानी के साथ हो जाएगी। आप कितनी की ट्रांजेक्शन करते हैं इसके बारे में सरकार को जानकारियां होंगी और इससे सरकार राशन कार्ड समेत तमाम चीजों पर जिया उचित रूप से कदम उठा सकेगी। अगर आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो भी आपको राशन कार्ड दिया जाएगा, अन्यथा अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तो आपको तुरंत उसे कटवाने की जरूरत। सरकार इसके ऊपर एक्शन मूड में है, ठोस और बड़े कदम के साथ तमाम एक्शन लिया जा सकता है। तो यह आपके लिए बड़ी खबर है, आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप जी आपका आय सही है तो आप राशन कार्ड में से नाम जरूर कटवा ले। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिहार में एंट्री हो रही है। 3 सालों बाद लालू प्रसाद यादव को एंट्री बिहार में हो रही है। और पहले चारा घोटाले में सजा याचिका थे लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाले में सजा याचिका लालू प्रसाद यादव की एंट्री को लेकर भव्य स्वागत का भी इंतजाम किया गया है। राजद के तमाम लोगों को उत्सुकता है कि कब वह पटना आएंगे और राजद स्थापना दिवस पर क्या लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे। इसके संकेत तेजस्वी यादव ने पहले दी है। तेजस्वी यादव ने पहले आकर इसके संकेत भी दी थी और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल पिता हमारे हैं और डॉक्टरों की निगरानी के साथ वो जैसे ही डॉक्टरों का सलाह होगा तो वो पटना आएंगे। आने वाले वक्त में जब वो पटना आएंगे उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां राजद की ओर से की जा रही है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जी स्वागत किया जाए। यह तमाम चीजें साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के राजद स्थापना दिवस पर आने की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है और इसके बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी तेज हो सकती हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक मजे खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि बिहार की सियासत को किस तरीके से चलाया जा सकता है। जेल में बैठे हुए भी लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जिसको लेकर जी आपको दादी के सीपी सिंह और तमाम बड़े नेताओं ने बड़ी बातें कही थी और कहा था कि देखिए आज जेल में बैठे हैं उसके बाद में किस तरीके से कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में सरगर्मियां तेज हो सकती हैं, जो भी खबरें होंगी वो विस्तार से बताई जाएगी। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।